आईपीएल में कल खेले गए एक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस जिन्हें पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करा गया 155 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने यह लक्ष्य बड़ी ही आसानी से 3 विकेट खोकर 15.1 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस जो कि पहले चौथे नंबर पर थी अब पहुंच गई 6 नंबर पर, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स अब आ गए हैं टॉप 4 में, यानी 4th पोजीशन पर उन्होंने एंट्री ले ली। जीत के हीरो रहे वैसे सुनील नारायण, जिन्होंने बड़ी किफायती बॉलिंग करी और 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्हें बाद में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। अब रुख करते हैं आज के मैच की तरफ, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। दोनों के अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक 26 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 17 जीते हैं चेन्नई ने, 9 मुकाबले जीते हैं बैंगलोर ने। तो पलड़ा चेन्नई का भारी है, ये और बेहतर हो जाता है रिकॉर्ड अगर हम पिछले 11 मुकाबले देखते हैं, क्योंकि उसमें 9 मुकाबले जीते हैं चेन्नई ने और 2 मुकाबले जीते हैं बैंगलोर ने। बात करें इन दोनों टीम की पोजीशन जो कि आईपीएल पॉइंट्स टेबल में क्या है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं और अभी वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि आरसीबी ने 8 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं और 3 हारे हैं और वो हैं 3rd नंबर। तो अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, लेकिन जाने से पहले एक नजर हम डालेंगे संभावित प्लेइंग 11।